सो गाइस, ये है Vivo का न्यू स्मार्टफोन Vivo T3 Ultra, जिसको कल इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। अब सच कहूं तो दोस्तों, इस फोन के लॉन्चिंग को लेकर मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि Vivo के ज्यादातर फोन, फिर चाहे Y सीरीज का फोन हो, V सीरीज का फोन हो या फिर X सीरीज का फोन, ये सब के सब ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करती है, जहां पर हमें स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के रेशियो में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। लेकिन T सीरीज के बारे में बात करते हैं तो गाइस, Vivo इस सीरीज के अंदर कम बजट में हमें बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन और फीचर्स ऑफर करती है। और इस वाले फोन के बारे में बात करें तो गाइस, यहां पर भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। 31999 से दोस्तों इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है, और सच कहूं तो प्राइस के हिसाब से ये फोन आपको पसंद आएगा, इनफैक्ट बहुत पसंद आएगा, क्योंकि Vivo इस फोन के अंदर वो ऑलमोस्ट सारी चीजें ऑफर कर रही है जो आप इस प्राइस पर लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन के अंदर एक्सपेक्ट करते हो। तो गाइस, अगर आप इस फोन को खरीदने का विचार कर रहे हो तो ले सकते हो दोस्तों, लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम इसी फोन के बारे में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। तो उसके लिए चैनल पर अगर आप नए हो तो अपने इस भाई को सपोर्ट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो गाइस, ये जो फोन है ये ग्लास बैक के साथ आया है, जहां पर हमें मैट फिनिश देखने को मिल जाते हैं। फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो गाइस, वो यहां पर प्लास्टिक का दिया गया है, और Vivo भी 40 सीरीज के ही डिजाइन लैंग्वेज को ये फोन फॉलो कर रही है। उसी की तरह इस फोन के अंदर भी आपको प्रॉपर कर्व डिजाइन देखने को मिलता है, और सेम कैमरा हाउसिंग कैमरा मॉड्यूल के साथ ये भी फोन आया है। तो नो डाउट डिजाइन जो है वो इसका आपको काफी प्रीमियम देखने को मिलता है, और अच्छी बात यह है कि इस फोन के अंदर भी आपको बैटरी काफी बड़ी देखने को मिल जाती है, लेकिन फिर भी फोन को काफी स्लिम एंड लाइट वेट रखा गया है। 7.6 mm ये फोन थिक है दोस्तों, और 192 ग्राम ही इस फोन का वेट रखा गया है, जिसकी वजह से जब भी आप इस फोन को हाथ में लोगे तो होल्ड करने में भी ये फोन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। वैसे लूनार ग्रे और फ्रॉस्ट ग्रीन के सिर्फ दो कलर में दोस्तों इस फोन को इंडिया में लॉन्च किया गया है, और सच कहूं तो ये दोनों कलर दिखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। बाकी IP68 का यहाँ पर सर्टिफिकेशन भी दिया गया है दोस्तों, तो गलती से फोन पानी उनी के अंदर गिर गया तो दिक्कत नहीं होगी, टेंशन फ्री रहिएगा। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो गाइस, इस फोन के अंदर 6.78 इंच का एक 1.5K रेजोल्यूशन वाला 10 bits 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जहां पर 4500 nits का पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाता है। Wide 1 L1 का भी सर्टिफिकेशन दिया गया है, HDR 10 प्लस के भी यहां पे सर्टिफिकेशन देखने को मिलते हैं दोस्तों, और डिस्प्ले के ऊपर शॉर्ट सेंसेशन का प्रोटेक्शन भी लगा है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी जो है वो नो डाउट प्राइस के हिसाब से यहां पर काफी ऑसम देखने को मिलती है। जब भी आप इस फोन से स्क्रोलिंग करोगे, गेमिंग करोगे या फिर कोई और काम करते हो तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने की वजह से यहां से आपका एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहेगा। बाकी दोस्तों, डिस्प्ले के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा है, और ये 10 बिट्स का पैनल है, तो कलर्स वगैरह भी यहां पर आपको काफी बूस्टेड एंड पंची देखने को मिलते हैं। मतलब जब भी आप इस फोन से वीडियो देखोगे, मूवी एंजॉय करोगे, तो उसका एक्सपीरियंस भी यहां से काफी अच्छा रहेगा। स्टीरियो स्पीकर के साथ भी ये फोन आता है दोस्तों, जो कि काफी लाउड एंड क्लियर है, तो मल्टीमीडिया को लेकर मुझे नहीं लगता इस फोन से कभी भी कोई शिकायत आपको होगी। और 4500 nits का यहां पर पीक ब्राइटनेस भी दिया गया है, तो इंडोर और आउटडोर दोनों जगह आपको विजिबिलिटी भी काफी अच्छी मिल जाएगी, आइकन्स वगैरह यहां से आप क्लियरली देख पाओगे। बाकी परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो गाइस, इस फोन के अंदर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9200 प्लस वाला प्रोसेसर लगा है, जो कि मीडियाटेक का एक फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर है। 1.5 मिलियन से भी अधिक इसके अंतुतु स्कोर निकल के आ जाते हैं दोस्तों, और 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे ये चिपसेट बना है, तो नो डाउट यहां पर परफॉर्मेंस जो होगा वो आपको बिल्कुल मक्खन के जैसा देखने को मिलने वाला है। डे टू डे लाइफ में एक नॉर्मल यूजर्स को कभी भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बाकी अगर आप लोग अपने स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग वगैरह करना पसंद करते हो, लाइक COD या फिर BGMI खेलना पसंद करते हो, तो 60-90 FPS की ग्राफिक सेटिंग पर आप इस फोन के अंदर BGMI और COD जैसे हेवी गेमिंग काफी स्मूथली खेल पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, प्राइस के हिसाब से यहां पर गेमिंग एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर होना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है वो काफी पावरफुल है, तो BGMI के अंदर एटलीस्ट 90 FPS की ग्राफिक सेटिंग का ऑप्शन दे देता तो बहुत ज्यादा बेटर रहता, ऐसा मुझे लगता है। वैसे आप इस चीज को लेकर क्या सोचते हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। रैम और स्टोरेज टाइप के बारे में बात करते हैं तो गाइस, यहां पर LPDDR5X वाला रैम दिया गया है, एंड UFS 3.1 वाले स्टोरेज टाइप यहां पर देखने को मिलते हैं, तो एप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड वगैरह जो है वो फोन की बहुत ज्यादा फास्ट है, और मल्टीटास्किंग में भी यहां पर आपको कभी भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बाकी एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है दोस्तों, जो कि फन टच OS 14 के ऊपर रन करता है, जहां पर आपको बाकी Vivo फोन के कंपैरिजन में ब्लॉट्सवेयर यहां पर थोड़े कम देखने को मिलते हैं। वैसे Vivo ने ऑफिशियली कंफर्म कराया कि इस फोन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 साल के OS अपडेट एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट ही देखने को मिलेंगे, जिससे कि मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूं, क्योंकि जिस प्राइस पर Vivo ने इस फोन को लॉन्च किया है दोस्तों, वहां पर अपडेट साइकिल थोड़ा और बेटर होना चाहिए था। एटलीस्ट 3 साल का OS अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट Vivo इस फोन के अंदर देती तो ज्यादा बेहतर रहता, ऐसा
मुझे लगता है। वैसे इस चीज को लेकर भी अगर आप कुछ सोचते हो तो ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हो। खैर अब गाइस चलिए हम आ जाते हैं इस फोन की बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड के ऊपर। तो गाइस इस फोन के अंदर 5500 mAh की बैटरी दी गई है जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। बड़ी बैटरी है तो एक नॉर्मल यूजर्स को ये बैटरी लगभग एक से डेढ़ दिन का बैकअप आराम से निकाल कर देगी। बाकी इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर 80 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है जिसकी मदद से आप 0 to 100% इस फोन को 50 मिनट के अंदर ही चार्ज कर पाओगे। वैसे टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है दोस्तों। फोन के अंदर 3.5mm जैक और माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं दिया गया है। एनएफसी के भी सपोर्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं दोस्तों और ना ही इस फोन के अंदर आपको आईआर ब्लास्टर देखने को मिलता है। बट 5G फोन है तो इस फोन के अंदर आपको 8 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और स्टूडियो स्पीकर के साथ ये फोन आता है। वैसे हैवी यूसेज के दौरान फोन को ठंडा रखने के लिए इस फोन के अंदर वेपर कूलिंग चैम्बर भी दिया गया है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक के सपोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लास्ट में गाइज हम अगर इसके कैमरे के ऊपर आते हैं तो पीछे की तरफ यहाँ पर आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। मेन कैमरा 50 MP का है दोस्तों जहाँ पर OIS के भी सपोर्ट देखने को मिलते हैं जो कि सोनी का IMX921 वाला सेंसर है। फ्लेक्सिबल सेंसर है दोस्तों तो फोटोज ये आपको बहुत अच्छे अच्छे निकाल कर देगा और यहाँ से आप मैक्सिमम 60 FPS पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी बड़े आराम से निकाल पाओगे। बाकी दूसरे सेंसर के ऊपर आते हैं तो गाइस वो यहाँ पर 8 MP का दिया गया है जो कि एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। इसके अलावा सेल्फी कैमरा के ऊपर आते हैं तो गाइस वो यहाँ पर आपको 50 MP के देखने को मिलते हैं और इस सेंसर से भी आप मैक्सिमम 60 FPS पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग बड़े आराम से निकाल पाओगे। तो कैमरा सेटअप जो है वो अच्छा है बट प्राइस के हिसाब से अल्ट्रा वाइड सेंसर और ज्यादा यहाँ पर बेटर डिजर्व करती थी। एटलीस्ट 13 या फिर 50 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर देती तो ज्यादा बेहतर रहता ऐसा मुझे लगता है। तो गाइस यही थी पूरी कहानी वीवो T3 अल्ट्रा के स्पेसिफिकेशंस की। बाकी इसके वेरिएंट और प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको 8GB 128GB 8GB 256GB एंड 12GB 256GB के सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएंट में इंडिया में लॉन्च किया गया है। जो बेस वाला मॉडल है दोस्तों 8GB 128GB उसकी प्राइस 31999 रखी गई है। सेकंड वाले मॉडल को 33999 का लॉन्च किया गया है एंड जो थर्ड मॉडल है 12GB 256GB उसकी प्राइस 35999 रखी गई है। मतलब 32, 34 और 36 हज़ार रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी दोस्तों वीवो इसके ऊपर ऑफर्स भी दे रही है। अगर आपके पास HDFC बैंक का कार्ड है तो यहाँ पर आपको 3000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा या फिर अगर आप एक्सचेंज करके इस वाले फ़ोन को परचेज करते हो तो यहाँ पर आपको 3000 रुपये के डिस्काउंट देखने को मिलेंगे और ये डिस्काउंट मिलने के बाद आप इस फोन के बेस वाले मॉडल को 28999 का ही खरीद पाओगे। और इस प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो लिटरली डील मुझे बहुत ज्यादा क्लियर लग रही है। तो गाइस अगर आप इस फोन को खरीदने का विचार कर रहे हो तो 19 सितंबर को इसका पहला सेल स्टार्ट होने वाला है दोस्तों फ्लिपकार्ट के ऊपर। आप चाहो तो उस टाइम जाके इस फोन को ऑर्डर कर लेना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों BGMI के अंदर 60 FPS की ग्राफिक सेटिंग, इस फोन का अपडेट साइकिल और अल्ट्रा वाइड सेंसर, यही 3 चीजें ऐसी है जो कि इस फोन के अंदर आपको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट करेगी। बाकी ओवरऑल फोन मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अगर आपका बजट 30 से 35 हज़ार रुपए के बीच का है और इस प्राइस पर आप कोई ऑलराउंडर फोन परचेस करने के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये फोन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो गाइज बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।